दोस्तों अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है होंडा एक्टिवा BS6 जिसको बोला जाता है 6G। इसमें देखो एक लाइट आता है, चेक लाइट जिसे इंजन का आता है, उसमें आपको लाइट कंटिन्यू चालू रहता है। उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो बनी है कि आप चाबी को 2-3 बार बंद चालू करोगे तो लाइट चले जाता है, कोई कोई गाड़ी में नहीं जाता है। कभी बाई चांस आप BS6 काम कर रहे हैं तो आपके पास स्कैनर रहना चाहिए, बहुत ईजी से आप इसको इसे निकाल सकते हो लाइट को, किसे स्कैनर से। ये आप अगर आप BS6 आप काम करना चाहते हो तो आपको एक रखना पड़ेगा, क्योंकि आप रखोगे तो बहुत इजी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो लाइट है उसका भी बहुत इजी से लाइट को निकाल सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। दोस्तों मेरे पास आया हुआ है होंडा एक्टिवा BS6 जिसको बोला जाता है 6G। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ऐसे आप बहुत सारे से वीडियो आपने देखे भी रहेंगे कि उसमें बताया हुआ है चेक इंजन निकाले कैसे, और चाबी से 2-3 बार चाबी ऑन ऑफ करने से कभी कभी ये चेक लाइट निकल जाता है। इधर जो लाइट होता है एक सिंबल आता है पीला कलर का, ये देखिए मैं पहले चालू कर दे रहा हूँ मैं, ये देखिए अभी ये लाइट समझ लो। अगर आपके पास जैसे चाबी को बंद किए चालू किए बंद किए चालू किए अगर नहीं निकल रहा है तो उसके लिए आपको स्कैनर जैसे होता है उसको वेपर उसको यूज करना ही है आपको। अभी देखिए एक बार वापस बंद करता हूँ, अभी देखिए थोड़ा टाइम पर चले गया हुआ है, ये कंटिन्यू रहता है, ये लाइट कंटिन्यू रहता है। जब चाबी ऐसे आप बंद किए चालू किए बंद किए चालू किए कभी कभी लाइट चले जाता है, कभी कभी नहीं जाता है, जिसके लिए आपको जैसे स्कैनर जैसे इसको स्कैन करके डिलीट मारना है। अभी हमने इसमें डिलीट मार चुके हुए हैं। अभी ये देखिए हमने कैसे जाते हो आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, इसमें पहले आपको फोल्ड दिखा दे रहा हूँ मैं, फोल्ड इसमें है कि नहीं देखिए आपको दिख रहा है इधर, अभी स्कैन कर रहा है, ये देखिए वन फोल्ड दिखा रहा है इधर, अभी ये देख लीजिए। तो अभी इसको रिसेट करना है हमको, जैसे रिसेट कैसे किया जाता है ये आपको देख लीजिए। पहले हमने बैक किए, ये बैक हो गया हुआ है, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये देखिए इस पे आ गया हुआ है, एरो से नीचे लेके आए हुए। अब इसको हम वापस ये बटन से प्रेस करते, ये प्रेस हो गया हुआ है, वापस एक बार प्रेस करते, प्रेस हो गया। अभी इसको चाबी को एक बार बंद करना है, चाबी को हमने बंद किए वापस चालू किए, अभी जो एरर फोल्ड बता रहा था अभी आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, वो फोल्ड निकल जाता है। आप वापस एक बार दिखा दे रहा हूँ, इसी तरीके आप इसको एरर निकाल सकते हो। नए कोई कोई गाड़ी के निकलता ही नहीं है, हमने भी बहुत बार ट्राई किया, हमारे पास भी मैकेनिक से लेके आए थे इसको रिसेट मारने के लिए, अभी भी देखिए बता रहा है गया नहीं है, अभी भी फोल्ड बता रहा है। ये देखिए अभी 0-0 हो गया, इसको हमने रिसेट मार दिए हुए है, अभी चाबी चालू देखिए। तो वापस एक बार बता दे रहा हूँ, ये जो लाइट बताता है कभी वायर कट गया या कभी कुछ प्रॉब्लम है तभी ये चेक लाइट बताता है। जब वायरिंग कट गया हुआ है, वायरिंग कटने के बाद जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद कभी कभी ये लाइट कंटिन्यू चालू रहता है, लाइट जाता नहीं है। तो लाइट जब नहीं जाता है तो चाबी को सिग्नल दो, गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए, चाबी को जैसे 2-3 बार इसको बंद चालू करना है रनिंग में, वो भी कैसे करना है आपको ये भी चालू करके दिखा दे रहा हूँ मैं इसको गाड़ी को। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, चाबी को ऐसे बंद करना है, फिर ऐसे बंद करना है, ऐसे 2-3 बार करना है, ये देखेंगे ये लाइट चले जाता है, और कभी कभी वो लाइट नहीं जाता है। तो इसके लिए कभी भी आप BS6 का काम कर रहे हो तो आप एक स्कैनर रखे रहना चाहिए, तो आप बहुत ईजी से उसको डिलीट मार सकते हो, उसको रिसेट मार सकते हो। अगर आपको हमारे जानकारी अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा।